दूरसंचार नियामक ट्रेन ने रिलायंस जियो की मोबाइल सेवा के लिए वॉयस कॉल व डेटा शुल्क दर योजनाओं को क्लीन चिट दे दी है। ट्रेन के मुताबिक कंपनी की योजना और उसके मौजूदा शुल्क दर नियमों आदेशों के अनुरूप ही है। ट्राई ने इस बारे में मौजूदा दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि रिलायंस जियो की हैप्पी न्यू ईयर पेशकश को नियमों का उल्लंघन करने वाला नहीं पाया गया है। ट्राई के अनुसार उसकी जांच में पाया गया कि रिलायंस जियो ने हैप्पी न्यू ईयर पेशकश की घोषणा 4 दिसंबर 2016 को की, जो कि कंपनी की पहले वाली वेलकम पेशकश से अलग है और उसे पूर्ववर्ती प्रोमोशनल पेशकश का विस्तार नहीं कहा जा सकता। भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर ने रिलायंस जियो की पेशकश को चुनौती देते हुए TDSAT का दरवाजा खटखटाया था। इन कंपनियों ने रिलायंस जियो की सभी सेवाओं की निशुल्क पेशकश को 90 दिन के बाद भी जारी रखे जाने को चुनौती दी थी। कंपनी की इस पेशकश की अवधि 31 दिसंबर 2016 को बढ़ाई थी, जिसे उसने बढ़ाकर अब मार्च 2017 के आखिर तक कर दिया है। आपको बता दें कि महायावादी ने भी हाल ही में ट्राई को बताया था कि रिलायंस जियो की शुल्क दर योजनाएं मौजूदा नियमों या नियामक के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए ट्राई को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।